बाय बाय काठमांडू 10 तारीख ऑफ अक्टूबर 2022 दस बाईस एंड टेकिंग ऑफ फ्रॉम काठमांडू। डीजल 10 लीटर भरवा लिया है जो हमें सनौली बॉर्डर तक तो पहुंचा ही देना चाहिए। 178 रुपए नेपाली पर लीटर के हिसाब से। ओह माय गॉड, इंडिया में 89.70 है। बच्चे नहीं तो पुलिस प्रशासन लाइन जाते समय भी ट्रैफिक जाम, नेपाल काठमांडू आते समय भी ट्रैफिक जाम था। नेपाल सिटी इज द ओनली प्राइम सिटी। आप आओगे, आप जाओगे, आप हमेशा ट्रैफिक पाओगे। मतलब इससे कैसे आना चाहिए? इसीलिए प्रेफर ऑलवेज एयर ट्रेवल। ठीक है, यहाँ घूमने आना है, जहाज तो आओ, जहाज तो जाओ। जिसकी ज्यादा चुना काटेगा कि रोड ट्रिप करना है ना, हमारी तरह मसार इसी में ट्रैफिक मोटर के लिए कार से बेटर तो हिसाब से बाइक हुई अगर बरसात नहीं है तो। हाँ ऑब्वियसली, लेकिन फिर चक्कर ये फंसेगा ना, आपको पेट्रोल का दाम बहुत पड़ेगा। आपकी रोड ट्रिप की जो कैलकुलेशन है ना खराब हो जाएगी, सारी खराब हो जाएगी, बहुत महंगा पड़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो है 12-13 रुपए 20-22 रुपए लगा लो मोटा मोटा, कि महंगा ही है सारे पेट्रोल में, तो गाड़ी का माइलेज तो बढ़ नहीं जाएगा आने पर, तो इसलिए खर्चा आपका बढ़ ही जाएगा। तो मतलब है नहीं, और रोड रोड की कंडीशन होती नहीं यार। रोड ट्रिप में मजा आता है जब रोड कंडीशन अच्छी रहे। अब तुम्हें ऑफ रोडिंग करना है तो वहीं चले जाओ गाँव अपने, वहाँ पर बहुत टूटी हुई रोड है, वहीं हचक लो सस्ता। बहुत चौड़ा पार्ट है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं नेपाल के तलहटी में। पहाड़ी सफर खत्म हुआ, तराई क्षेत्र में हम लोग आ चुके हैं। कृष्ण को किसी परामर्श की आवश्यकता नहीं है, इन्होंने प्रकृति की गोद में बसा एक सुंदर नगर, जिसके झरनों से देखने पर कल कल बहती गंगा की धारा के साथ पक्षियों का गुंजन कानों में रस खोल जाए। वाह कृष्णा,